राजगढ़ कॉलोनी के गवर्नमेंट स्कूल में 16 दिन बाद वैक्सीनेशन सेंटर हुआ चालू। जनता पहुंची दूसरी डोज लगवाने। आप देख सकते हैं कि गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये राजगढ़ कॉलोनी का चौधरी मलुक सिंह गवर्नमेंट स्कूल है, जहां 16 दिन के बाद यहां पर फिर से वैक्सीनेशन सेंटर चालू हो गया है। गौरतलब है कि इससे पहले जो वैक्सीन नहीं आ रही थी तो कुछ दिल्ली के सेंटर बंद हो गए थे। विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि लास्ट 16 दिन पहले यहां पर लोगों ने डोज लगवाई थी अपनी पहली, जिसके बाद यहां पर वैक्सीन आना बंद हो गई थी और वैक्सीनेशन सेंटर बंद करना पड़ा था। और आज सुबह से यहां पर डोज आ गई है और सभी जिन्हों की पहली डोज लग चुकी थी वो आज दूसरी डोज लगवाने आ रहे हैं। हम बता दें कि इस वैक्सीनेशन सेंटर में कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जहां विधायक ने उन सभी जो वैक्सीन लगवाने आए हैं उन सभी से जायजा लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए। यहां पर 18 साल से अधिक उम्र वाले और 45 साल से अधिक उम्र वाले दोनों ही तरह के लोग यहां पर वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। और उसके बाद आधा घंटे के लिए वेटिंग रूम में बैठाया जाता है। उसके बाद विधायक ने उन सभी से हालचाल पूछा और हमने जब इनसे बात की तो उनका कहना था कि हमारी दूसरी डोज है और हमें खुशी जाहिर हो रही है कि हमने अपनी कोरोना बीमारी से बचने के लिए दो डोज लेगी। सेकेंड डोज है। पहली डोज कितने दिन पहले लगी थी आपको? 30 डेज पहले। तो कितने दिन बाद आपको मिला? आपको स्लॉट मैंने कल बुक कराया था, मेरे को आज स्लॉट मिल गया। तो कैसा महसूस करेंगे आपके आज दूसरी डोज हो जाएगी पूरी? आई एम फीलिंग वेरी वेल एंड आज सेकेंड डोज कंप्लीट हो जाएगी तो आई एम फीलिंग ग्रेट नाउ। अच्छा महसूस हो रहा है। जब पहली डोज लगाई थी कोई दिक्कत तो नहीं आई? नो सर। आप बताइए। मेरा नाम अतुल चौरसिया, मेरी सेकंड डोज है कोवैक्सीन की। तो कितने दिन बाद आपकी सेकंड डोज लगी है? 28 डेज। राइट। तो इसमें कोई घबराहट तो नहीं थी जब आपने पहली लगवाई थी? इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं? कुछ भी नहीं, इट्स नॉर्मल। तो कितना खुशी जाहिर करें कि आपकी दोनों डोज पूरी हो रही है एक कोरोना बीमारी से बचाव के लिए? बस अब सेकंड डोज लग जाए उसके बाद देखो कोरोना कब तक अपना हुआ करता है। ये जल्दी कम्प्लीट खत्म हो जाए यहाँ से, हम तो ये चाहेंगे ताकि लोग अपने काम धंधों में वापस लौट सकें सारी चीज़ें। देखिए पहले तो हमारी गांधीनगर विधानसभा में कोई वैक्सीन सेंटर नहीं खोला गया था, उसके लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मुझे एलजी साहब के यहाँ बात करनी पड़ी और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने सेंटर पहला सेंटर यहाँ चालू कराया और आज 3-4 दिन यहाँ पर वैक्सीन लगी कोवैक्सीन। उसके बाद वैक्सीन ना होने की वजह से ये सेंटर बंद कर दिया गया। आज से फिर यहाँ पर कोवैक्सीन लगने का सेंटर दोबारा से यहाँ पे आज वैक्सीन लग रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटिन्यूसली में चलेगा। कम से कम कितने दिन बाद ये वैक्सीन जो सेंटर चालू है? मेरे ख्याल से 16-17 दिन बाद चालू है। आई हो? हाँ, ये करीब 16-17 दिन के बाद आज वैक्सीन आई है। तो आज दो साइट शुरू हो गई है और जब तक रहेगी हम लोग चलाएंगे, प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। बीच में क्या कारण था जो बीच में इतने दिन में? हाँ, दवाई नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी उपलब्ध। तो जब से ये वैक्सीन लग रही है तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, बल्कि आप खुद देखिए बहुत अच्छा तरीके से इंतजाम चल रहा है और लोग आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आए, पिछली बार में भी नहीं आया।